शांति यही है, थोड़ी सी है तो क्या क्या किया आज बाहर? तभी चीजें तो अभी हमने नारियल पानी लिया, साथ हुए गोलू, बहुत ज्यादा कम हो गया है, काटी गई है, मिसकैरेज हो चुका है और बेबी गर्ल हुई थी। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का, भाई देख मेरा टोरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। सुबह के बज चुके हैं 11:30, हम लोग उठ चुके हैं और चीकू के नितिन चच्चू भी आ चुके हैं। ये रहे, राम राम भैया, शाबाश, जीते रहो, अंदर है। तो गाइस ये रही शांति, आप लोग इतने कमेंट कर रहे हो शांति के लिए, ये रही शांति। तो पहले देखा करो फिर बोला करो, शांति यही है, शांति कहीं नहीं गई। पायल चाय ऐसे क्या कर रहे, ले ले इसी में से, इतनी चाय है, थोड़ी सी है तो चाय पीता है, इतनी सी। सुबह सुबह चाय बहुत जरूरी है, वरना हमारा सर दर्द हो जाता है। हम ऐसे जिम करा लो, हमसे भगवा लो, खुदवा लो, सारा दिन घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सुबह की चाय हमें चाहिए चाहिए। तो आप लोगों के कहना, आप लोग सोचते हो कि हम लोग आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं एवरी व्लॉग्स पे। तो हमें अच्छा नहीं लगता जब आप हमारे लिए नेगेटिव सोचते हो, तो ऐसा कुछ ही नहीं है। अभी अभी मैंने शांति से मिलवाया आप सभी को, तो शांति को या फिर गुड्डी आंटी को या गुड्डी आंटी की बहन को, हमने किसी को भी नहीं निकाला है। गुड्डी आंटी और उनकी बहन खुद ही गई है, क्योंकि गुड्डी आंटी की जो बहन थी उनको आई साइड अपनी बनवानी थी, और उनकी जो और ये जो शांति है उसको गुड्डी आंटी ही लेके आई थी हमारे घर पे। तो कालू भैया ने ये चिमनी का जो पूरा ये जो जाली होता है ना, ये निकालते दिया है साफ करने के लिए, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा है, बहुत ही ज्यादा। जब ये गंदा रहेगा तो एग्जॉस्ट कैसे होगा ना, चलेगा नहीं है। तो अभी बज गए दोपहर के 4:30, मैं और पायल जिम से आ गए थे 3 बजे के करीब। हम दोनों ने शावर भी ले लिया है, तो सोच रहे काम करते, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर बाकी की जो चीजें आपको अपडेट देंगे। खाना खा के सो जाओ, ठीक है बेटा? बाहर घूम कर आए हो ना, क्या क्या किया आज बाहर? कुछ नहीं किया, ऐसे गए थे बाहर, कोई झूला नहीं खाया। आज बहुत ही यम्मी लंच बना है, मुझे बहुत पसंद है, आलू चोखा और साथ में ड्राई आलू और राइस। तो शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैं और गुल्लू जा रहे हैं बाहर किसी काम से, क्योंकि चीकू के पापा का फेस वॉश भी नहीं है, खत्म हो चुका है, और हमारी ना फाउंडेशन ब्रश सारी खराब हो गई है, तो फाउंडेशन ब्रश भी लेके आना है और एक दो चीजें और लेके आनी है, इसलिए हम लोग मार्केट के लिए निकले अभी। तो जिम से आने के बाद ना हम लोग सो गए थे और इतना ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं हमने, मतलब आज 2 से 2.5 घंटे की एक्सरसाइज की है, उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा थकान थकान, क्योंकि हमने आते ही अपना जो है सैलेड खा के रेस्ट कर लिया था। फाइनली मैं और पायल पहुंच गए मार्केट, और आज मैंने वही टी शर्ट पहनी है जो कुछ टाइम पहले हमने ली थी, और सीरियसली बड़ी कम्फर्टेबल टी शर्ट है। ऐसा नहीं है कि प्राइस महंगा हो तभी चीजें, प्राइस महंगा हो तभी चीजें कंफर्टेबल होती है, सस्ती चीजें भी कंफर्टेबल होती है, बस आपको उसको कैरी करना चाहिए। तो हमने ले लिया है फाउंडेशन ब्रश, वो मैं घर जाके दिखाऊंगी मैंने कौन सा लिया है, और चीकू के पापा का हेयर स्प्रे खत्म था वो भी ले लिया है, और क्राइलोन का हमने एक शेड लिया है फाउंडेशन वाला, उसका छोटा वाला लिया है, देखेंगे अच्छा होगा तो आपको भी बताएंगे जरूर। जब हम घर से निकलते हैं ना हमें 10 काम और याद आ जाते हैं, तो अभी पायल ने मुझे याद दिलाया कि चीकू के पापा की शर्ट सी जो रह गई थी वो हमें लेनी है, टाइट करवाने के लिए दी थी हमने कल परसों, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, पहले उनकी शर्ट्स ले लेते हैं क्योंकि उनको कल जाना है कहीं। तो अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो गर्मियों में ना नारियल पानी का सेवन ज्यादा रखना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ नारियल पानी भी ले लेते हैं गुल्लू मार्केट में, मैं पीऊंगी अभी एक, ठीक है एक एक पी लेते हैं, और 3-4 लेके चलते हैं घर, और टमाटर भी नहीं है, सागर ने बताया टमाटर भी लेके जाने, तो टमाटर भी ले लेंगे। तो अभी हमने नारियल पानी लिया, जो मेरा वाला नारियल पानी है ना इसमें मलाई है, बहुत ज्यादा मीठा है, पायल के नारियल पानी थोड़ा कम मीठा है ना भाई, तो अभी मैंने बोला नारियल पानी खराब है, वो कह रहे मैंने पायल को अपना नारियल पानी टेस्ट कराया, मैंने कहा पायल मेरा भी मेरा मीठा है, तो फिर समझ आया ये मलाई की वजह से, पायल एक्चुअली नॉलेज आ गई ना चीज की। तो जब भी आपको किसी लड़की का नारियल पानी वाला स्ट्रॉ पहचानना हो ना, तो ये उसकी परफेक्ट पहचान है, मतलब लड़की जब पीती है तो लिपस्टिक पूरी लग जाती है स्ट्रॉ पर। तो इस बार जो गोलू ने फेस ऑयल मंगाया है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, पता नहीं क्यों, इससे पहले वाला जो फेस ऑयल था ना वो बहुत अच्छा था, इस बार वाला ना अलग अलग से फाउंडेशन मतलब पूरा मर्ज नहीं हो पाता, ये अब फाउंडेशन की गलती है या ऑयल की गलती है पता नहीं, गोलू किसकी गलती है? मैंने तो यूज ही नहीं किया, मैं काम करती हूँ पहले यूज करती हूँ फेस ऑयल फिर बताऊंगी। यार भैया कितनी देर लगा रहे पानी, मुझसे पूछ ले कितने नारियल, बता दूंगी 5 लिए, 1 सेकंड 3 हमने पिए, 4 3 और 4 7 साथ हुए गोलू, 7, इतना भी तेरे को काउंट करने में इतना टाइम लग रहा है गोलू, रहन दे हिसाब तो तू क्या ही करेगी फिर। मैंने कैलकुलेटर पहले से खोल रखा था, रहन दे बस। तो मेरी जो मेहंदी है ना वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है, देखो अभी तक भी चल रही है ये, देखो ये बिल्कुल भी है ना, कितना मैं नहा लूं कुछ भी कर लूं ये नहीं निकल रही मेहंदी। तो अभी हम लोग आए हैं एक मॉल में, और हम लोग कोई कुछ टी शर्ट देखने आए हैं, क्योंकि हमारे पास जितने भी टॉप है ना वो ब्लाउजेज हैं, शर्ट है मतलब ऐसे शॉर्ट है, सारे फुल स्लीव्स हैं, शॉर्ट टॉप नहीं है, और शॉर्ट टॉप है तो फिर वो बिल्कुल स्लीवलेस और बिल्कुल शॉर्ट है, तो नॉर्मल वेयर के लिए हम लोग टॉप लेने आए हैं। सांस चढ़ गए,
सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते एक्चुअली ये ना स्टेमिना बहुत ज्यादा कम हो गया है क्योंकि जिम कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, इसलिए चिकू के पापा ने पूरे 3 महीने का 90 डेज का हमें चैलेंज दिया है कि एक भी दिन छुट्टी नहीं करनी, तो आज भी छुट्टी नहीं करी संडे वाले दिन। अपने लिए टी शर्ट्स के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि काम करेंगे, चीकू के लिए भी टी शर्ट्स ले लेंगे क्योंकि चीकू की जो टी शर्ट्स है ना वो से टाइट हो गई और अभी गर्मी का टाइम है तो वो टाइट टाइट। चीकू के पास बहुत कपड़े हैं अभी, उसकी हाइट बढ़ रही है ना तो अभी उसके लिए कपड़े लेने का फायदा नहीं है। अच्छा टाइम बाद ना जब उसके सारे कपड़े थोड़े खराब हो जाएंगे तब लेंगे उसके लिए। जहाँ हम गए थे शॉपिंग करने के लिए हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब कि मन था टी शर्ट देखने का बट वहाँ पे ज्यादा वेरायटी वन पीस की थी तो वन पीस के में नीड नहीं थी, ऑलरेडी बहुत सारे वन पीस पड़े हैं जो अभी हमने नहीं पहने हैं, तो फिर हमने वो आइडिया वहाँ ड्रॉप कर दिया। अभी हम जा रहे हैं चीकू के पापा की शर्ट्स लेने की। तो मैं आ गई हूँ ऑल्ट्रेशन वाली शॉप पे और यहाँ पे जो है टी शर्टें सारी हो गई हैं। भैया को एक्चुअली ना थोड़ा सुनने में कंफ्यूजन हो गया, मैंने शर्ट के लिए बोला था, भैया ने टी शर्ट्स कर दी है, तो अभी ऑन द स्पॉट मैं 4-5 शर्टें करवा के लिए जा रही हूँ क्योंकि कल उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये शर्ट ना वो वाली शर्ट है जो चीकू के पापा के बर्थडे के लिए हम लेके आए थे, 2 शर्टें ज़ारा से। इसकी फिटिंग होने के लिए ना ये जो पूरी है यहाँ से काटी गई है और इसमें सेम डबल सिलाई लग के ही पूरा बनने वाली है अभी। तो अभी मैं रिसेंटली कुछ व्लॉग्स के कमेंट पढ़ रही थी और उसमें मैंने पढ़ा कि काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट थी, फरवरी में मैं प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि मैंने सोचा कि 3 मंथ्स हो जाए फिर मैं शेयर करूंगी, बट 1 वीक बाद ही ऑटोमेटिकली मेरा मिसकैरेज हो गया। और मेरे साथ हैदराबाद में तो आप लोगों को पता है ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, मेरा 4 मंथ्स 6 डेज का मिसकैरेज हो चुका है। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मेरी शादी हुई थी 2018 में और 2019 के अंदर मैं प्रेग्नेंट हुई थी और जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई 4 मंथ्स हुए, तो 4 मंथ्स होने के बाद सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, सेम प्रॉब्लम। मेरा जो वाटर बैग है वो लीक हो गया था और जब मेरा वाटर बैग लीक हुआ उस टाइम पे 4 मंथ्स 7-8 डेज थे, तो मैं फटाफट डॉक्टर के पास भागी और मैंने दिखाया, मैंने कि ऐसे ऐसे मेरा वाटर बैग लीक हो गया, क्योंकि मुझे तो उस टाइम पे नॉलेज ही नहीं थी कि वाटर बैग लीक हुआ है, मुझे पता ही नहीं था कुछ भी कि वाटर बैग क्या होता है, लीक क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका वाटर बैग लीक हो गया और 90% वाटर जा चुका है और जो बेबी है उसकी धड़कन चल रही है और अगर बेबी होता भी है तो वो अब नॉर्मल होगा और मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो फिर कुछ टाइम बाद मैं जब पे रही और 1-2 घंटे हुए तो उसकी भी धड़कन खत्म हो गई थी, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली उस टाइम पे फीवर आ गया था, बॉडी शिवर करने लग गई थी, इतनी तेज फीवर आया। फिर मेरा 2018 में मैं उस टाइम पे दिल्ली में थी तो तब मेरा मिसकैरेज हुआ और उस टाइम पे मेरी बेबी गर्ल हुई थी और बहुत ही मुश्किल टाइम था, वो टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और 4 मंथ्स ऊपर हो चुके थे और बेबी गर्ल हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, मेरा भगवान के आगे नहीं चलती इंसान की, जो हुआ हो गया। फिर 2021 में मैं हैदराबाद में थी और फिर मैं प्रेग्नेंट थी और 2021 में भी मेरे साथ सेम ऐसा हुआ, मेरी जो वाटर बैग है लीक हो गया था और उस टाइम पे मुझे पता चल गया था कि यार मेरा जो वाटर बैग लीक हो गया, क्योंकि सेम मेरे साथ 2019 में भी यही हुआ था जो 21 के अंदर हुआ, तो उस टाइम पे मेरा बेबी बॉय था। तो डॉक्टर ने मुझे फिर यही बोला कि आपका पास क्या था, तो मैंने जो पास बताया तो उन्होंने यही बोला कि जो आपकी ओवरी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत वीक है, मतलब कि आप कंसीव कर लेते हो बट कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद जो आपका वाटर बैग है वो लीक हो जाता है। तो इस बार ऐसा हुआ 2022, जैसे कि आप लोगों को पता है फरवरी में मैं फिर प्रेग्नेंट हुई थी, फिर ऑटोमेटिकली मेरा मिसकैरेज हो गया। तो अभी मैंने जो डॉक्टर से मेरा बात चल रही है वो यही चल रही है कि डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, ट्रीटमेंट लो, ट्रीटमेंट लेने के बाद आप प्लान करो फिर कंसीव करो, क्योंकि आपको कंसीव में दिक्कत नहीं है, आपकी ओवरी बहुत ज्यादा कमजोर है, उसकी वजह से वो बच्चा जो है वो बच्चेदानी में ठहरता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपका मिसकैरेज हो जाता है। और जो मेरा 4 मंथ्स के एक्सपीरियंस है जो 2 बार मेरे साथ हुआ 19 में और सेम 21 में, वो यही था कि मेरा ऑटोमेटिकली मेरा जो वाटर बैग है वो लीक हो गया था और उसके अंदर डॉक्टर्स ने मुझे यही बात बोली, सेम बात, कि आपका जो ओवरी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, उसकी वजह से हो रहा है। और अभी मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है 1 से 1.5 साल तक कि आप कोई भी फ्यूचर प्लानिंग मत करो, क्योंकि अगर आप प्लान करोगे तो यही दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी जो बात थी ना मेरी लाइफ में वो ये थी, जो मेरा मिसकैरेज हुआ था वो एक नॉर्मल डिलीवरी की तरह हुआ था, ऐसा नहीं था
कि ऑटोमेटिकली वो चीज हो गई, नहीं, वो नॉर्मल डिलीवरी की तरह हुआ था। और जो पेन एक औरत सहती है वो वही पेन मैंने भी सहा है, और सेम पायल के साथ भी बहुत सारी चीजें हुई है लाइफ में। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा हुआ था, मैं 2011 में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी। तो प्रेगनेंसी में मुझे ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से 2.5 महीने का जो बेबी था ना मेरा, वो मिसकैरेज हो गया था मेरा। मिसकैरेज होने के बाद ना सफाई करानी पड़ती है, कि जब भी मिसकैरेज होता है तो आपको सफाई करानी पड़ती है। तो जब मेरी सफाई हुई ना, तो सफाई में डॉक्टर्स ने कुछ छोड़ दिया मेरी ट्यूब में, और वो ट्यूब मुझे उस टाइम नहीं पता लगा। 2.5 महीने बाद ना मुझे हल्का हल्का पेन स्टार्ट होने लगा। जब हल्का हल्का था तो मैंने इतना मतलब इग्नोर कर दिया कि ऐसे ही हो रहा होगा, सफाई हुई ऐसे ही हो रहा होगा। फिर बाद में जब वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरा ना मतलब सहन ही नहीं हो रहा वो पेन, तो मैंने चीकू के पापा को बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप मुझे, उस टाइम हम लोग दिल्ली रहते थे, कि आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो चीकू के पापा मुझे गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है रजौरी गार्डन में, वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर्स ने जब चेक किया, मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो पता चला कि जो कुछ छूटा था ना वो मेरे ट्यूब में चला गया है। हमारे लेडीज़ के पास 2 फिलिपिन ट्यूब होती हैं, और उस ट्यूब में वो चला गया, और उसने जो है कैंसर के कीड़े बन गए हैं। तो जब इतना पता लगा तो उन्होंने बोला भी इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा, इसकी ट्यूब निकालनी पड़ेगी। तो मैं बहुत घबरा गई, चीकू के पापा भी बहुत घबरा गए। हमारा कोई था नहीं, मम्मी पापा नहीं थे, कोई नहीं था। फिर चीकू के पापा ने मुझे भाई भाभी के पास भेजा, कालू भैया की वाइफ के पास भेजा। वहाँ जाके हाँसी में मेरी जो ट्यूब है वो निकाली गई। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम है, मतलब आपके पास एक ट्यूब है, एक ट्यूब में प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से होती है। तो मतलब तो दर्द वो था कि मैं ऑपरेशन हो रखा है, 8 टाँके आए थे मुझे उस टाइम, 8 स्टिचेस हुए थे, पहला ऑपरेशन मेरा वो था। उसके बाद फिर दूसरा ये कि यार कभी माँ ही नहीं बन पाएंगे, जब कोई खुशी मिली नहीं आगे भी वो खुशी नहीं मिल पाएगी, इस चीज़ का भी दुख। फिर जैसे तैसे मैंने हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद, हर जगह में गई, हर जगह 4 साल तक हमने बहुत, मैं IVF तक के लिए भी चली गई थी, लेकिन 2013 या 14 के बीच में मैं IVF के लिए गई। और उस टाइम जो IVF के चांसेस होते थे ना वो बिल्कुल कम होते थे, मतलब उनका ये होता था कि होगा 30% होगा और 70% नहीं होगा, ये होता था उस टाइम। और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था, 4-4.5 लाख रुपये में उस टाइम होता था, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इतना कमाते नहीं थे। तो चीकू के पापा ने और मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं अभी छोड़ देते भगवान के ऊपर, जब होगा तब देख लेंगे। फिर भगवान ने हमारा साथ, भगवान की दया थी मेरे पे कि 2016 में मुझे कंसीव हो गया। लेकिन इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां थी, चीकू के पापा के पास कोई काम नहीं था, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे। फिर भी चीकू के पापा ने बोला कि नहीं, इतनी मुश्किल से हमें भगवान ने दिया है, मुझे बाप बनाने की खुशी मिले, तुझे माँ बनाने की खुशी, हम अच्छे से इसका सब कुछ करेंगे। फिर जाके चीकू हुआ, और चीकू की, और वो चीकू हुआ ना मेरे लिए बहुत बड़ा एक भगवान का, ये लगा लो भगवान का प्रसाद ही है कि मुझे चीकू हुआ, क्योंकि चीकू के होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। डॉक्टर्स ने साफ मना किया था कि आप प्रेग्नेंट हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, कोई चांसेस नहीं है। तो पता नहीं भगवान की दया थी मेरे ऊपर कि मेरे चीकू मुझे हो गया। और अब भी ऐसा है कि मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ, मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं कंसीव कर लूँ तो मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ। अगर इन फ्यूचर कभी मुझे माँ बनना होगा तो उसके लिए मुझे IVF या किसी और चीज के लिए जाना पड़ेगा। तो अभी मैंने यही सोचा और डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला है कि जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते आप कंसीव मत करो, क्योंकि जब मैं कंसीव कर लेती हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बट बाद में जो मुझे दिक्कत आती है, जैसे मैंने अपने 2 बच्चे खोए हैं, एक लड़की थी एक लड़का था, और एक औरत के लिए सबसे मुश्किल टाइम होता है जब वो ये सब चीजें फेस करती है। जो मुझे अभी भी याद है हैदराबाद की जो बात थी, जब मैं डॉक्टर के पास थी ना और मुझे वो पेन दे रहे थे और जो मुझे पेन हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर को यही बात बोली थी, मैंने कि एक औरत ना पेन बर्दाश्त कर लेती है कि उसके बाद उसको खुशी मिलेगी और उसके हाथ में उसका बच्चा होगा, पर जो मुझे पेन दे रही हो मुझे इस पेन के बाद और पेन मिलेगा, कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो बहुत ही टफ टाइम था मेरे लिए भी, 2019 और 2021 बहुत ज्यादा टफ टाइम था जो मैंने फेस करा, मेरी फैमिली ने फेस किया, बहुत मुश्किल टाइम था। मैं ये चाहती हूँ जिंदगी में कभी भी किसी औरत के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं अभी नहीं चाहती कि मैं कंसीव करूं। जब तक मेरा ट्रीटमेंट नहीं होता मैं कंसीव नहीं करना चाहती, मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करवाऊंगी अपना और उसके बाद मैं कंसीव करूंगी, क्योंकि मेरी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं उस चीज को रख सकूं, और ऑलरेडी मेरा 2 बार इतना बड़ा बड़े मिसकैरेज हो चुके हैं। अब ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, आप लोगों से मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन।